साथियों नमस्कार। आप सभी का अगेंस्ट करप्शन के इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के बारे में चर्चा करेंगे। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के 20(1) की धारा में लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना देने में विलंब पर सूचना आयोग द्वारा धारा 20(1) के तहत अधिकतम 25,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। इस कारण हम सभी को सूचना देने में हुए विलंब की शिकायत या अपील सूचना आयोग में कर सकते हैं और सूचना देने में हुए विलंब के लिए दोषी लोक सूचना पदाधिकारी को प्रत्येक दिन के हिसाब से 250 रुपये प्रतिदिन या अधिकतम 25,000 रुपये आर्थिक दंड लगाया जाता है। इस कारण हम लोगों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत किसी भी दोषी लोक सूचना पदाधिकारी को आर्थिक दंड लगवा सकते हैं। इसका उपयोग हम सभी को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण अधिकांश सूचना देने में लोक सूचना पदाधिकारी को इसमें 20(1) के तहत आर्थिक दंड लगवाना जरूरी है, जिससे भ्रष्टाचार में कुछ कमी आ सके। इसका प्रयोग आप सभी अवश्य करें। मैंने एक आयोग में द्वितीय अपील वाद संख्या LA 7666/2020 के तहत एक द्वितीय अपील दायर किया था, जिसमें लोक सूचना पदाधिकारी ADM मधेपुरा को 25,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया धारा 20(1) के तहत। आप सभी भी इसका उपयोग अवश्य करें।